ओम शांति मेरा शरीर का नाम साहिब सिंह मैं 78 से ईश्वरीय विद्यालय के से संपर्क में आया मेरे साथ मेरे युगल जो है वो भी ज्ञान में हैं और मेरी बड़ी बेटी जो है वो ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं मेरा जीवन जो है बचपन से बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि क्या किया जाए क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्या आती थी मैं बचपन से ही भगवान को याद करता था कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है तो स्कूल में जाना है तो आराम राम करते जब भगवान को याद करके जाना है आने के टाइम पर वो ही मेरा रूटीन रहता था तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी किताबें ही पढ़ी तो फिर भी मुझे कोई तसल्ली नहीं मेरा क्वेश्चन जो रहता था कि मेरे समस्याएं क्यों ऐसे मेरे ऊपर आती हैं तो माता जी हमारे जो बहुत यानी कि जब समस्या आती तो बहुत ही परेशान होते थे तो मैं उनसे पूछता था कि माता जी ऐसी समस्या आती क्यों है कहते हैं कि भगवान जो है ऐसी समस्या देते हैं तो हमें तो सहन करनी पड़ती पड़ता है तो मैंने उनसे पूछता था कि भगवान हैं कौन वो कहते हैं कि ऊपर आते हैं वो भगवान जो है ना तो उन्नीस बासठ में मैं आर्मी में भर्ती हो गया और वहाँ भी परेशानी रहती थी कि ये सम, ये परिवार की समस्याएं क्यों आती रहती हैं तो एक टाइम ऐसा हो मैं घर में छुट्टी आया हुआ था तो हमारा सबसे छोटा बेटा था तो वो अचानक ही बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई तो मैं बहुत रोया बहुत परेशान हुआ तो उसी समय मुझे एक आवाज़ आई कि बेटा अब रोते क्यों है ये तो चोला बदली किया है और ये फिर आपके पास ये बच्चा आ जाएगा तो ऐसे करते करते मैं छुट्टी काट के दोबारा चला गया तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मैं खुद ही बीमार हो गया मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए और हम एक कमरे में छः हवालदार सोते थे तो मेरा दम रुक गया और मैं ऐसे लगा कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उन्होंने मुझे उठा करके एकदम एक दम यानी कि हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ भी मुझे यही आवाज़ आती रही कि बच्चे आप घबराते क्यों हैं आपको कुछ नहीं होता अंत में क्या हुआ कि मुझे सेवेंटी फोर में मेडिकल बोर्ड घर में आना पड़ा और घर में तो समस्या बहुत ज़्यादा थी हमारे माता जी बीमार थे छोटी सिस्टर की शादी की हुई थी वो भी बीमार थी तो तीसरा मैं भी आ गया घर में तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई लेकिन रात को सोने के सोने के टाइम पर जो है ना मुझे रात को सो में कोई आवाज़ आती थी कि ये तो परीक्षा है आपकी आप घबराओ मत तो ऐसे करते करते सेवेंटी एट में जब यहाँ धर्मशाला में ब्रह्मा कुमारी ने प्रदर्शनी लगाई थी तो उस प्रदर्शनी में एक छोटी सी किताब मैं लेकर गया जिस किताब का नाम था संस्कारों का परिवर्तन तब तो जब रात को मैंने वो किताब पढ़ी तो फिर मुझे वो आवाज़ आई कि बच्चे आप आगे बढ़ो आपको रास्ता मिल गया है लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर सेंटर खुल गया है ऐसे रोज़ मैंने वही किताब पढ़नी और वैसे मुझे, मुझे कोई यानी आवाज़ आती रही तो ऐसे करते करते ना एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान था तो ऐसे घूमते घूमते जब बाजार में गया तो मैंने वहाँ पर आश्रम का झंडा देखा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इतनी खुशी हुई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अंदर जा कर के पूछूँ कि है क्या ये तो मैं उस दिन तो अंदर जा नहीं सका लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे रास्ता मिला तो मैंने ज़रूर जाना वहाँ पर है क्या तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैनों ने मुझे तीन सवाल पूछे कि आपका नाम क्या है आप काम क्या करते हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं तो मैंने नाम बताया काम बताया और घर का एड्रेस बताया तो तीनों वो गलत हो गए मेरे बहन जी कहते हैं कि आपका तो ये शरीर का नाम है लेकिन इससे पहले आपका क्या नाम था तो मैं तो सस्पेंस में पड़ गया तो कहते हैं जो आप जो नौकरी कह रहे हैं ये तो शरीर निर्वाह के लिए आप कर रहे हैं सारा और आप जो घर बता रहे हैं ये तो मुसाफिर खाना है इससे पहले आप किसी और घर में थे अभी इस घर में हैं इसके बाद किसी और घर में होंगे तो ऐसे मुझे निश्चय हो गया कि यहाँ पर मेरे मुझे मेरे क्वेश्चनों का जो है उत्तर ज़रूर मिलेगा इसी दौरान जो है मैं सेवन कोर्स सेवन डेज कोर्स कर रहा था तो अमृतसर से धर्मपाल भाई जी आए थे तो उन्होंने क्लास में ये कहा कि अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो मैं चार ही दिन का वादा करता हूँ कि आप भगवान से मिल सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भाई जो कह रहे हैं तो इन्होंने अनुभव जरूर किया होगा तो उन्होंने जैसे बताया वैसे ही मैं करना शुरू कर दिया कि चार ही दिन का मैं पूरा करूँगा भगवान से मैं ज़रूर मिलूँगा क्योंकि मुझे तो बचपन से ये भगवान से मिलने की खोज थी ऐसे करते करते जब अठत्तवा दिन हुआ तो एक बुज़ुर्ग जी है उन्होंने मुझे उठा करके एक सूक्ष्म बतल में लाइट के उसमें उन्होंने अपनी गोदी में ले लिया मुझे और इतना पुचकारा इतना पुस्कारा कि जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता ऐसे करते करते फिर मैंने आकर के बहनों से पूछा बहन जी ऐसे ऐसे मुझे कुछ दर्शन हुए तो बहन जी कहते हैं कि यही तो है ये पृथत्पता ब्रह्मा हैं इनके अंदर शिव बाबा आ करके हमें ये जितना भी ज्ञान है वो ही दे रहे हैं तो जब वो मतलब वो जो ब्रह्मा बाबा की गोदी में मैंने कम से कम सात आठ घंटे जो है ना ये मेरा अनुभव है कि उसमें गोदी में रहकर और बाबा दृष्टि देते रहे और मेरा रोम रोम इतना खिल गया कि मेरी चारपाई हिलने लगी ऐसे ढग ढग होने लगी मैंने सोचा कि साथ और भी किराएदार रहते हैं तो वो कहेंगे कहीं बाबू पप्प पागल तो नहीं हो गया सवेरे उठ जाता है तो क्या हो गया इसको लेकिन मुझे तो खुशी का पारा इतना चढ़ गया तो मैंने बहन जी से पूछा तो कहते हैं कि ये वही हैं यही जिनके द्वारा ये शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं तो आप जो है ये क्लास करते रहिए और आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होते रहेंगे तो ऐसे अनुभव जो है मुझे ढाई तीन महीने लगातार अनुभव होते रहे साक्षार होते रहे और इतना लगता था कि कि मैं उड़ रहा हूँ बाबा ने इतनी इतने मतलब अंतिम स्टेज वाले भी अनुभव करा दिए एक दिन तो ऐसे हुआ कि मैं ऑफिस में गया हुआ था और जिसको देखूँ वो मुझे सितारे ही दिखाई दें, शरीर ना दिखाई दे तो ये भी अनुभव किया उसके बाद देश से न्यारे होने का अनुभव किया तो ऐसे हो गया था कि मुझे तो योग जो है वो तोड़ना पड़ता था दो योग लगाने की अवस्था नहीं थी लेकिन योग को तोड़ना पड़ता था ऐसी मेरी अवस्था हो गई थी तो रोज़ मैं क्लास करता दो टाइम क्लास करना सवेरे भी क्लास करनी है शाम को भी क्लास करनी है तो पहला ग्रुप मधुबन जाना था तो मुझे हमारे कुछ पुराने भाई थे उनको तो परमिशन मिल गई लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिली तो अब बहनों ने इसके बारे में तो क्लियर नहीं किया था लेकिन मुझे तो कहा गया कि आपको एक साल जो ठहरना पड़ेगा तो मैं क्लास करने के बाद अपने क्वार्टर में गया और मैंने मधुबन चिट्ठी लिख दी कि बाबा आप यहाँ पर आए हुए हैं के सिस्टिक पर आए हुए तो मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं बताया गया कि मुझे परमिशन क्यों दी गई तो लेटर लेटर शायद दादी चंद्रमणि के पास चला गया और वहाँ से होकर के हमारी बहनों को बताया कि इस भाई को आप नियम वगैरह बताओ तो ऐसे जब पवित्रता करनी नहीं तो लेकिन पवित्रता के ऊपर तो मैं शुरू से ही यानी जब से यानी अटेंड करना शुरू किया था अभी से वो चलना शुरू हो गया तो एक साल के बाद जब मधुबनी गए तो ओम शांति भवन में बाबा से मिले तो बाबा ने दृष्टि दी उस टाइम जानिए वहाँ पर भाई जो हैं बहुत कम होते थे और बाबा जो है एक एक को टोली देते थे दृष्टि देते थे तो ऐसे करते करते बाबा ने बहुत कुछ बहुत ही अनुभव कराए और क्या कहूँ बाबा का कमाल है हमारी बहनों ने जिन्होंने हमें इतनी सेवा दी है और हमें सहयोग दिया है तो ऐसे करते करते अभी हम चल रहे हैं और बहुत आनंद है बहुत खुशी है कि भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया है और हम जो आगे की जर्नी जो है हमारी जो आगे का जो समय है वो बहुत ही खुशनुमा मालूम पड़ता है ओम शांति